अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे झारखंड में भी कमोवेश जो दलित और आदिवासी बच्चे हैं उनकी यही स्थिति है। और राइट टू एजुकेशन एक्ट के लागू हो जाने के बावजूद भी आज भी बच्चों की स्थिति वही की वही बनी हुई है। और जैसा आपने अभी एक्ट के माध्यम से दिखाया कि किस तरह से बच्चे जो वंचित तबके के बच्चे हैं उनका शोषण हो रहा है। आदिवासी बच्चों के लिए दलित बच्चों के लिए वो मांग पर्याप्त है, वो आपको मिलनी चाहिए। संविधान का अमेंडमेंट नंबर 86 आपकी शिक्षा के विरोध में लाया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उन्नी कृष्णन जी ने यह फैसला दिया था कि आपका एजुकेशन एक समान होगा, एक समान परिस्थिति, एक समान पाठ्यक्रम, एक समान प्रश्नोत्तर और सारी परिस्थितियां सबकी इक्वल होंगी। कि भारतीय जनता पार्टी के ओर से जब हम देश के अंदर परिवर्तन की बात करते हैं, इतने बड़े वर्ग जो कई वर्षों से विकास की धारा से दूर रहा और इतने सारे लोग विकास की धारा से दूर रहे और देश एक विकसित राष्ट्र बनेगा और मजबूत देश बनेगा और भारत एक समृद्ध भारत बनेगा, ऐसा कहना ये कठिन है और ये गलत है। आप जानते हो कि जो 25% यहाँ पे दलित और आदिवासी देश में उसको हक चाहिए, उसके लिए कानून बनना चाहिए और यह जो कॉलेशन है उसने यह निर्णय लिया है कि हम देश में बच्चों के हक के लिए, दलितों के बच्चों के हक के लिए, आदिवासियों के बच्चों के हक के लिए हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। आप सब यहाँ आए हैं और हम जो हैं वो बाबा भीम अम्बेडकर के बच्चे हैं, हम जो हैं वीर बिरसा के बच्चे हैं। आप तमाम लोगों का दायित्व बनता है कि आप लड़ाई को आगे बढ़ाओ। वीर बिरसा हुल जोहार, वीर बिरसा हुल जोहार, वीर बिरसा हुल जोहार।